देखो वैसे ये क्वेश्चन देखो हमारे सामने है यहाँ पर, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो क्या है, 7 + 4√3 की पावर n को मैंने अल्फा प्लस बीटा मान लिया। अल्फा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। बीटा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। वही जो अब तक हम i प्लस f मानते थे, अब हमने उसको अल्फा प्लस बीटा कर दिया। ठीक है, देखो प्रूफ करना है 1 - β (α + β) = 1। देखो ये हमें प्रूफ करना है। देखो ध्यान दो, बिल्कुल क्वेश्चन को मैं वैसे ही करना पड़ेगा। देखो अल्फा प्लस बीटा ये है 7 + 4√3 की पावर n। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये होगा। ठीक है, एक नया टर्म अपनी तरफ से जी ले लेंगे, क्या होगा 7 - 4√3 की पावर n, इनको ऐड कर देंगे जैसा करते थे। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा? देखो ये 2 × k इवन इंटीजर मिलेगा, इनको प्लस करोगे तो इवन इंटीजर मिलेगा। यहां से देखो फिर वही है, ये 1 प्रूव हो जाएगा, है ना। बीटा प्लस जी की वैल्यू 1, वही जो अब तक हम करते थे ना, एफ प्लस जी की वैल्यू 1 प्रूव हो जाएगी। यहां पर बीटा वही एफ है एक्चुअली, है ना। तो देखो यहां से क्या होगा कि हमें यहां से मिल जाएगा बीटा प्लस जी बराबर 1। देखो काम करें, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू जी बराबर, इन दोनों को देखो आपस में कर दो मल्टीप्लाई, क्या हुआ देखो 7 + 4√3 की पावर n, 7 - 4√3 की पावर n। देखो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू जी, देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर n। देखो ये 1 हो गया। अच्छा देखो g की वैल्यू पुट कर दो 1 - β, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 - β। देखो यहाँ से g की वैल्यू रख सकते हैं 1 - β, और ये देखो क्या हो गया 1। देखो यही हमको प्रूफ करना था, अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 - β बराबर 1। देखो यही हमको प्रूफ करना था। हमेशा ध्यान दो, जब भी ऐड करने से इंटीजर आएगा तो हमेशा f प्लस जी बराबर 1 ही होगा। और माइनस करने से, हमने कराया था आपको एक क्वेश्चन, माइनस करने से इंटीजर आएगा तो f बराबर g बनेगा हमेशा। देखो ध्यान दो, देखो माइनस वाला क्वेश्चन देखो फिर से रिवाइज करो, उसमें क्या आया था, जैसे ही हमने माइनस किया था और माइनस करने से अगर हमें इंटीजर मिला था तो वहां पर f माइनस जी बराबर 0 मिला था, मतलब f बराबर जी हो गया था। देखो उसको रिवाइज करो और इस बात को याद कर लो हमेशा कि माइनस करने से अगर इंटीजर मिलेगा तो f बराबर जी होगा, और अगर प्लस करने से इंटीजर मिलेगा तो f प्लस जी बराबर 1 होगा। ये दो रिजल्ट हमेशा ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इनको याद रखो हमेशा। ठीक है, देखो हमने ये क्वेश्चन बहुत शॉर्टकट से यहाँ पर कर दिया। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।